बॉलीवुड का सुल्तान कहें या दबंग या फिर टाइगर सलमान खान को आजकल बॉलीवुड में दबंग खान का ही सिक्का चलता है। सलमान खान बॉलीवुड में ऐसे सितारे हैं जिनका नाम ही काफी है फिल्मों को हिट कराने के लिए। सलमान पिछले कई सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। सलमान खान को ये शोहरत और रुतबा ऐसे ही नहीं मिली बल्कि कई बार रिजेक्ट होने और कई जगहों से ना सुनने के बाद सलमान खान खुद को यहाँ तक पहुँचाया है। आज हम आपको बता रहे हैं अरबों में खेलने वाले सलमान खान की कहानी। स्टूडियो के धक्के खाया करते थे सलमान खान। सलमान खान मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान साहब के बेटे हैं। पर लेकिन शुरुआती दिनों में सलमान खान का रास्ता बहुत मुश्किल था और एक समय ऐसा भी आया कि सलमान खान भी ग्रेट के डायरेक्टर आनंद गिरधर के पास फिल्म में काम मांगने के लिए गए थे और आनंद गिरधर ने सलमान खान को फिल्म में काम देने से मना कर दिया। आनंद गिरधर ने अपने चपरासी को बुलाया और सलमान को बाहर निकलवा दिया। आज सलमान खान के पास कई गाड़ियां और पैसे हो, मगर एक वक्त ऐसा था जब वो मुंबई की बसों में धक्के खाते हुए लोगों से नौकरी मांगा करते थे। सलमान खान 75 रुपए के लिए किया था काम सलमान खान ने। सलमान खान ने सबसे पहले 75 रुपया फीस में काम किया था और वह पहले बार है कैमरा के सामने काम किया था। उस वक्त शायद ही किसी ने सलमान खान को पहचाना होगा। सलमान अपने एक दोस्त के साथ ताज होटल गए थे जहां पर सलमान खान ने किसी स्टेज शो में डांस किया था। उस दौरान सलमान खान को 75 रुपए मिले थे। इस विज्ञापन में सलमान के साथ नजर आई थी टाइगर की माँ। आपको सालों पुराना कैंपा कोला का विज्ञापन याद हो जिसमें सलमान खान स्विमिंग करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने उस विज्ञापन के लिए 750 रुपए लिए थे और इसके बाद सलमान खान की फीस बढ़कर 1500 रुपए हो गई थी। इस कैंपा कोला के विज्ञापन में सलमान खान के साथ जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा ने काम किया था और आयशा उस दौर की एक सफल मॉडल थी। घंटों इंतजार करते प्रोडक्शन हाउस के बाहर बैठे रहते थे सलमान खान। साल 1988 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी से सलमान ने अपने कैरियर की शुरुआत की, लेकिन यह फिल्म पर्दे पर कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन सलमान खान ने हार नहीं मानी। वो हर प्रोडक्शन हाउस के बाहर जाकर काम के लिए घंटों इंतजार करते। उस वक्त में आमिर खान, संजय दत्त और अजय देवगन बॉलीवुड में पैर जमा रहे थे। ऐसे में सलमान खान को खुद को साबित करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक वक्त आया और किस्मत ने दिलाई सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया। साल 1989 में आई सूरज बढ़ जाते की फिल्म मैंने प्यार किया में भले ही सलमान खान ने मुख्य भूमिका निभाई हो, पर सलमान खान सूरज की पहली पंसद नहीं थे। कई सितारों के मना करने के बाद सूरज ने सलमान खान को यह फिल्म में काम करने का मौका दिया, लेकिन सलमान खान का सफर उतना आसान नहीं हुआ जितनी सलमान खान को उम्मीद थी। सलमान आज करोड़ों में फीस लेते हैं, लेकिन उस फिल्म के लिए सलमान को पहले 35,000 रुपए मिले थे, लेकिन बाद में सलमान खान ने अपनी फीस 75,000 तक कर दी थी। 90 के दशक में चमकी सलमान खान की किस्मत। सलमान खान ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी बॉलीवुड को, लेकिन सलमान खान के कैरियर की बड़ी फिल्मों से एक है फिल्म हम आपके हैं कौन ने सलमान खान को एक बड़ा स्टार बना दिया। उस फिल्म के बाद सलमान खान ने आमिर खान के साथ फिल्म अंदाज अपना अपना, शाहरुख खान के साथ फिल्म करण अर्जुन में भी काम किया। साल 1995 तक फिल्मों में काम करते करते सलमान खान सुपरस्टार बन चुके थे। एक समय में काम के लिए हर प्रोडक्शन ऑफिस के बाहर जाने वाले सलमान खान आज बॉलीवुड में वो नाम हैं जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है। बॉलीवुड के बादशाह बनने से पहले फ्लॉप फिल्मों के बादशाह बने सलमान खान। सलमान खान की ऐसी फिल्में भी हैं जिनके नाम आपको याद भी नहीं होंगे। शायद ही आपने सलमान खान की ये फिल्में देखी भी नहीं होंगी। शायद फिल्म निश्चय से लेकर फिल्म मजदार तक सलमान खान ने एक के बाद एक लगातार फ्लॉप फिल्में दी, जिस वजह से सलमान खान का करियर ट्रैक से हट गया था। फिर फिल्म तेरे नाम से उनके डूबते करियर को एक नई पहचान दी और बाद में सलमान खान ने वो रफ्तार पकड़ी जो शायद इस वक्त किसी भी एक्टर के पास नहीं है। अब करोड़ों की फीस लेते हैं सलमान खान। सलमान खान इस वक्त बॉलीवुड के सबसे महंगे फिल्म स्टार है जिनकी एक फिल्म की फीस करीब लगभग 60 करोड़ के पास है। सलमान खान छोटे पर्दे टीवी पर आने के करीब 11 करोड़ फीस करते हैं। किसी अवार्ड शो को होस्ट करने के करीब लगभग 3 से 4 करोड़ तक की फीस लेते हैं सलमान खान। इसके साथ ही वो किसी शादी में डांस करने के भी इतने ही फीस लेते हैं। सलमान खान विज्ञापनों के लिए करीब लगभग 5 से 6 करोड़ तक फीस ले लेते हैं। यहाँ तक कि सलमान खान को मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने भी सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टरों की लिस्ट में रखा है।